कैटरीना कैफ ने अपना बर्थडे न्यूयॉर्क में बॉलीवुड के साथ सेलिब्रेट किया। दरअसल आइफा के 18 सीजन को न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया है। आइफा में कैटरीना के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो स्टेज पर जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरअसल कैट को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। इस दौरान कैट ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कैटरीना जब स्टेज पर जाने लगी तो मनीष पॉल उनका हाथ पकड़ उन्हें स्टेज तक ले गए, पर मनीष ने कैट का हाथ स्टेज पर भी नहीं छोड़ा, जिससे कैट चिल्लाने लगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई, जब कैट अवार्ड देकर स्टेज से उतर रही तो भी मनीष उन्हें उनके सीट तक छोड़ने गए और कैटरीना वरुण धवन के बगल में जाकर बैठ गई, जिससे मनीष ने वरुण को कैट का भाई बोल दिया। ये पहली बार नहीं है जब मनीष ने ऐसी हरकत की हो। वो एक अच्छे होस्ट हैं और बड़े बड़े सेलेब्स के साथ ऐसा होस्ट के दौरान कर चुके हैं। आपको बताते चले कि इस मौके पर कैटरीना का इंडियन लुक कमाल नजर आ रहा था। हाल ही में कैट की रणवीर के साथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म जग्गा जासूस रिलीज हुई है, जिसे ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन मिला है। अब कैट जल्द ही सलमान के साथ टाइगर जिंदा है में नजर आने वाली है। सलमान के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।